सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री का फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक अब मंदिर में हर उम्र वर्ग की महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी। आपको बता दें कि केरल के सबरीमाला मंदिर में पिछले 800 सालों से 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि अयप्पा के भक्तों में कोई भेदभाव नहीं है, महिलाओं को पूजा से रोकना उनके अधिकारों का हनन है और औरतों के खिलाफ धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगली अच्छी खबर हवाई सफर करने वालों के लिए। हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की बाधा दूर हो गई है। डीजीसीए की ओर से 27 सितंबर को ये लाइसेंस जारी किया गया। अब हवाई सेवाओं के शेड्यूल का इंतजार है। हिसार एयरपोर्ट को एरोड्रोम का लाइसेंस जारी किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से ये लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस का पिछले करीब 1.5 महीने से इंतजार किया जा रहा था। हिसार एयरपोर्ट के लिए डीजीसीए की टीम ने अगस्त में सर्वे किया था, जिसमें टीम ने कुछ खामियां बताई थी। हवाई पट्टी और सुरक्षा बिंदुओं को लेकर टीम ने नाराजगी जताई थी। इन खामियों को दूर करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया गया था। खामियों को दूर करने के बाद अब एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। पहले चरण में हिसार से दिल्ली और हिसार से चंडीगढ़ की सेवा शुरू होगी। अगली अच्छी खबर है सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 6ठी और 9वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। स्कूल प्रशासन ने ये सीमा 1 साल तक बढ़ाई है। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 16 केंद्रों पर होगी। आवेदन फॉर्म 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के रजिस्ट्रार प्रेम कुमार ने बताया कि 6ठी में अब आयु सीमा 10 से 12 साल और 9वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए 13 से 14 साल कर दी गई है। इससे प्रवेश परीक्षा में 2000 से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। यूनाइटेड किंगडम ने एक बार फिर से दोहराया है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि NSG की सदस्यता के लिए बिना किसी शर्त के वो भारत के नाम का समर्थन करेगा। ब्रिटेन का कहना है कि भारत ने समूह में शामिल होने के लिए खुद की योग्यताओं को साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु व्यापार का काम NSG की निगरानी में ही होता है। गौरतलब है कि NSG में भारत के प्रवेश का चीन विरोध कर रहा है, लेकिन भारत अपनी दावेदारी के लिए नए सिरे से आवाज उठा रहा है। हाल में अमेरिका के साथ हुए 2+2 डायलॉग में अमेरिका ने भी भारत को जल्द से जल्द इस ग्रुप का सदस्य बनाने का समर्थन किया है।